हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रेस टेन कर्व के बारे में। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए मैंने आपके लिए एक एनिमेशन बनाया इन पावर पॉइंट। आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस देने का मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, और इस वर्चुअल एक्सपीरियंस के साथ हम स्ट्रेस टेन डायग्राम कैसे फॉर्म होता है वो सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेसिक शेप और एनिमेशन से ही ये पावर पॉइंट बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कि हम लोग की जो UTM मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम लोग ने ये स्पेसिमेन अटैच किया है, और इस पर अभी हम लोग यहाँ से लोड अप्लाई करने वाले हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग द लोड हमें जो फर्स्ट कर्व मिलता है वो ये है, लाइन ए। तो ये जो है इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, अब इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल यानी कि ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल रहते हैं, यानी कि पॉइंट ए तक जाने तक ये दोनों हुक्स लॉ को मेंटेन करते हैं, इसलिए पॉइंट ए को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। आपको तो पता है हुक लॉ क्या है, कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो पॉइंट ए तक ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा कुछ डिफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। देखिए इसके इमीडिएटली बाद आपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्ट्रेन जो है, अब यहाँ से पॉइंट ए से ये जो कर्व है वो डिविएट हो चुका है, राइट। वो पहले वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, यहाँ से वो डिविएशन उसने दिखाया अपना। तो इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब हर मटेरियल की, नेचर में कौन सा भी मटेरियल हो, हर मटेरियल की एक इलास्टिक लिमिट होती है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रबर बैंड है वही इलास्टिक हो, ये जो मेटल्स भी होते हैं, मेटल रॉड, ये भी इलास्टिक होते हैं। हाँ, बस ये जो इलास्टिसिटी होती है हर किसी की कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक इसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अब इलास्टिक लिमिट क्यों कहते हैं, इलास्टिक लिमिट इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने ये लोड हटा दिया, तो ये जो उसका ओरिजिनल लेंथ था जिसे हम गॉज लेंथ कहते हैं, जो स्पेसिमेन का बिफोर टेस्ट का लेंथ होता है उसे हम गॉज लेंथ कहते हैं। गॉज लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ। ये जो स्पेसिमेन का जो ओरिजिनल लेंथ है वो रीगेन हो जाएगा, राइट। तो अभी जो भी हम लोग ने जो डिफॉर्मेशन देखा था पॉइंट ए को, अब मैं वापस एक बार दिखाता हूँ। देखिए पॉइंट बी पे देखिए थोड़ा सा हम लोग ने डिफॉर्मेशन देखा, तो अगर मैंने ये लोड निकाल दिया तो ये डिफॉर्मेशन जो हुआ था वो वापस रीगेन हो जाएगा अपने ओरिजिनल पोजिशन पर, तो इसलिए इसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। अभी थर्ड तो आप गेस कर ही सकते हैं, इलास्टिक लिमिट के बाद जो आता है, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद भी अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो आता है प्लास्टिक लिमिट, तो वो हम अभी देखेंगे। तो लोड कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और ये देखिए अब ये जो पॉइंट्स है इसे हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आफ्टर, जैसे मैंने पहले ही कहा था, इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, राइट। तो अगर आपका रबर बैंड भी हो या फिर कुछ भी हो, तो अगर आपने उसे एक लिमिट से बाहर अगर उसे आपने खींचा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, वापस वो अपना ओरिजिनल पोजिशन नहीं ले सकता। अगर अभी मैंने यहाँ से इसका लोड अगर हटा दिया तो ये अभी हमेशा के लिए ऐसा डिफॉर्म ही हो जाएगा, ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, राइट। तो ये है यील्ड पॉइंट। इसके बाद और एक यील्ड पॉइंट होता है डी। देखिए डी लोअर यील्ड पॉइंट और सी को कहते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट। अब डी में होता क्या, सी एंड डी ये दोनों भी यील्ड पॉइंट्स ही है, ठीक है, यानी कि ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बताते हैं। अब ये जो डी में क्या होता है कि सडनली जो ये जो स्ट्रेस है वो घट जाता है, स्ट्रेन कंटिन्यू कर रहा है लेकिन स्ट्रेस है वो ड्रॉप हो जाता है पॉइंट डी पे, राइट। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन बनने के वजह से स्ट्रेस ड्रॉप होता है और उसके वजह से लोड भी सडनली ड्रॉप हो जाता है, तो इसलिए हम पॉइंट सी को कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट और पॉइंट डी को कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अब पॉइंट डी पे क्या होता है, ये जो स्पेसिमेन है ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ रीगेन कर लेता है अपने में, ठीक है, और ये अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्मली डिफॉर्म होना चालू हो जाता है, ठीक है, जब तक पॉइंट ई तक। अब चलिए देखते हैं कहाँ तक ये यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हो रहा है। तो देखिए पॉइंट ई तक ये ग्रेजुअली डिफॉर्म होते गए, स्ट्रेस स्ट्रेन देखे, यहाँ से हमें कर्व यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर कर्व दिख रहा है, यानी कि ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है यहाँ से ये यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हो रहा था, ठीक है, स्ट्रेस भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, स्ट्रेन भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, और जो क्रॉस सेक्शनल है वो यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हो रहा था, यानी कि कम हो रहा था। और पॉइंट डी पे देखिए, पॉइंट डी पे जैसे ये रीच कर देता है वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेक फॉर्म हुआ है, राइट। अभी यहाँ पे एक नेक फॉर्म हुआ है, अगर इसके बियॉन्ड अगर मैं इसे खींचूँगा तो क्या होने वाला है, यहाँ से ये टूट जाएगा। अब यहाँ पे नेकिंग होने की वजह से अभी ये जो लोड है, और एक चीज़, ये जो पॉइंट डी है
ये मैक्सिमम लोड है इस स्पेसिमेन का, स्पेसिमेन कहते हैं इसे ही अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहते हैं। अब अगर हम लोग को ये जो कैलकुलेट करना होगा स्पेसिमेन का हाईएस्ट स्ट्रेस कितना था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हाईएस्ट लोड है पॉइंट ई, इसे हमें इस स्पेसिमेन के ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसका हाईएस्ट स्ट्रेस मिल सकता है। इसके बाद फाइनल आता है इसका फेलियर, दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट एफ। देखिए पॉइंट एफ में क्या हो रहा है, अब पॉइंट ई से हम लोग ना जो स्ट्रेस है, जो लोड है, वो धीरे धीरे कम करते हैं, क्योंकि नेकिंग फॉर्म होने के बाद ऑब्वियसली वो टूट जाता है और ऑल ऑफ सडन वैसे ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कप एंड कोन ऐसा इस शेप में वो टूट जाता है, राइट। तो इस पॉइंट को, ये एफ पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे ये स्पेसिमेन ब्रेक हो जाता है। तो आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।